मैंने तो पहले भी कहा था कि हमने सोचा था कि एक नो स्माइल का बोर्ड आज लगा दें क्योंकि पब्लिक तो हंसेगी हंसेगी, तो वो एक चैलेंज हो जाता लोगों के लिए। तो हमारे कंट्रोल यूनिट से गुजारिश करते हैं कि पूरी लाइफ उम्र में और आपसे काम करने का मौका मिला आपके साथ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब कुछ इवेंट शुरू हुए, कुछ शो शुरू हुए हैं, तो हम भी आगे आए। हमारे नासिर अली खान साहब जो इस प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर है, उसने भी इनिशिएटिव लिया है, तो उसने ये एक सीरियल शुरू किया है, लॉटर थेरेपी हमने शुरू किया है पिछले 15 दिन से। मेरा नाम मीर उमर है और यहाँ पे एक ट्रेलर लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है द लाफ्टर थेरेपी। उसका ट्रेलर लॉन्च होने वाला है। ये एक सीरीज़ मैंने डायरेक्ट की है विद नज़ीर जोश, जो कि कश्मीर का ऐसा सुपरस्टार है जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे यंगस्टर भी उनको देख के पसंद करते हैं और उनकी कॉमेडी, उनकी हर एक चीज़ सब पसंद करते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम से वो अभी फील्ड में नहीं थे, तो मैंने सोचा उनको कमबैक कराएं, और अभी वो वापस आ रहे हैं, कमबैक कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि कश्मीर फिर से हंसेगा। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। और जो बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, उनको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ड्रग्स से दूर रहो, अपने काम पे फोकस दो। और अगर किसी के पास कोई भी टैलेंट हो, चाहे वो सिंगर हो, डांसर हो, एक्टर हो, कोई भी टैलेंट अगर हो, उस टैलेंट के ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हो। ड्रग्स में कुछ नहीं रखा, इससे ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। इससे सिर्फ उस इंसान की ज़िंदगी ख़राब नहीं होती जो ये करता है, इससे पूरी फैमिली की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, पूरी सोसाइटी की ज़िंदगी, मतलब सब की लाइफ ख़राब हो जाती है। तो इससे दूर रहना ही बेहतर है।